तो दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। तो उत्तरी राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो मौसम के अंदर जो है वो बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि उत्तर भारत के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के आसपास एक और नया जो पश्चिमी विक्षोभ है, और इस बार काफ़ी सक्रिय है जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर भारत के आसपास जो पहुँच चुका है। लेकिन अभी जो है वो बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि जो जेट धारा है वो काफ़ी जो है वो उत्तरायण चली गई है, जिसकी वजह से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश और बर्फबारी की घटनाएँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों के अंदर जो देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तरी जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इन सभी जिलों के अंदर जो है वो बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो जो अधिकतम तापमान है उसके अंदर भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लगभग 2 से 3 डिग्री तक की तापमान के अंदर जो है वो वृद्धि हो सकती है। तो ये यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो उत्तरी राजस्थान के लिए निकल करके सामने आ रही है। हालांकि बारिश की संभावना जो है वो बहुत ही कम ही आए, आप ये कह सकते हैं कि केवल इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर जो है वो बादलों के आवाजाही के बीच में हल्की फुल्की बौछारें मात्र गिर सकती है। लेकिन ऐसे स्थान जो है वो कोई 100 गांवों में से एक का दे गांव के भी बहुत ही कम क्षेत्रफल के अंदर जो है वो इस तरह की घटनाएं होने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। यानी अधिकतर स्थानों के ऊपर मौसम शुष्क और साफ बने रहने का अनुमान है। तापमान के अंदर बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अगर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, इसके साथ साथ में मध्यवर्ती राजस्थान के नागौर ज़िले के अंदर और अजमेर ज़िले के अंदर भी मौसम के अंदर आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अधिकतम जो तापमान है वो 35 डिग्री से भी ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास भी जो है वो दोपहर के समय आपको जो है वो हो सकता है, ख़ासतौर से लगभग जो है वो 1 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में। इसके साथ साथ में बात तो जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, अलवर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक सभी जिलों के अंदर मौसम साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी यानी सिरोही के अंदर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, लगभग सभी जिलों के अंदर जो मौसम साफ और शुष्क बने रहने का अनुमान है। तापमान के अंदर जो है वो लगातार बढ़ोतरी आपको जो है वो आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि बात करें तो मार्च के अंदर एक बार फिर से तापमान के अंदर जो है वो थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि जब उत्तरी भारत के अंदर इस पश्चिमी विक्षोभ के वजह से बर्फबारी या बारिश की जो घटनाएं होंगी या होने का अनुमान लगाया गया है, तो उसके बाद में जब ठंडी शुष्क हवाएं वहां से गुजरेंगी, तो वो जब राजस्थान से गुजरेंगी तो उस स्थिति के अंदर यहां पर जो है वो तापमान के अंदर फिर से कमी जो है वो आपको मार्च के महीने के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।